एल्बम मेरी रिलीज हो चुकी है एंड 5 गाने हैं उसमें, और जो खास है इस एल्बम के बारे में वो ये है कि 5 गानों में एक स्टोरी कही जाएगी, जिस पहले गाने से शुरू होते हुए पांचवें गाने में. दिस इज़ अ वेरी, इट्स वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट एंड यू नो आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को पसंद आया एंड लोग इतना देख रहे हैं इसको. थैंक यू. एंड मानसी इज स्टार्ड इन इट, सो मानसी विल आस्क. Experience was amazing. Shooting in Istanbul with this new concept was amazing. This new idea and me being part of this idea was the best part for me. And I'm very happy that people are loving it. और बहुत अच्छे comments आ रहे हैं, बहुत appreciate कर रहे हैं लोग काम को, तो I'm very happy. I think it's very comfortable to work with Mansi. She is a brilliant actor. मेरी acting भी निखर गई है थोड़ी उनके साथ काम कर करके. And plus I think the way Vikram ने direct किया उससे भी बहुत हमें, मुझे personally बहुत help मिला. And तो पता ही नहीं लगा कि हम, you know, इतना लंबा schedule for me it's a big thing. 15-20 दिन एक साथ shoot करना, तो मुझे तो नहीं पता लगा कब shoot हो गया और कब इतना अच्छा product बाहर निकल गया. तेरा घाट, ऑफ कोर्स इट्स एवरीबडी लव्स दैट सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो लव दैट सॉन्ग एंड पीपल गो क्रेजी विद दैट सॉन्ग. एंड मेमोरी तो यही रही है कि आई हैव सीन द होल प्रोसेस एंड बिकॉज आई एम हिज फ्रेंड, विक्रम्स फ्रेंड, सो आई हैव सीन द होल प्रोसेस ऑल्सो. सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो गाना इतना अच्छा कर गया है और लोगों को इतना पसंद है. नहीं, आई थिंक बहुत ही, मतलब सी आप, हम हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू एक दो बार पहले भी मिले हैं. ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय एंड टुडे वी थॉट वील इनवाइट हिम एंड ही सेड यस ऑफ कोर्स ही विल कम. तो इससे ज़्यादा यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम एनीवन, बिकॉज वंस यू कॉल समवन और वो एक ही बार में आ जाए तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट. दैट्स ओनली शो हिम कि कितना यू नो इज अ ग्रेट गाय. कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ओ ये प्यार भी तोला होगा तुमने, अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं से नहीं पाता. थैंक यू. हाँ, नेक्स्ट अभी हम थोड़ा सा और प्रमोशन करेंगे इसका ही, और एक्चुअली फिर आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू एल्बम एंड मानसी इज वर्किंग ऑन हर न्यू फिल्म आई थिंक, बट एक्चुअली वो मैंने कुछ नहीं बोला. So yeah, right now we are only here for summary and of course मतलब अभी release हुआ है, fresh है, लोगों तक पहुँचाना है. So this is what the focus is all about and we are glad that you all are here. अब लोगों के पास और पहुँचेगा और popular होगा और प्यार मिलेगा. So okay, so this one is for Zoya. तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, ओ इश्क मेरा दर्द मेरा है. तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा. ऐसा मेरे लिए तो ये पहला इवेंट है जहाँ पे हम लोग सब मिल रहे हैं और इट्स सच अ फैंटास्टिक ओकेजन, बिकॉज आई थिंक
what these guys have achieved, Virtual Planet और गजेंद्र वर्मा ने जो कर दिखाया है इन पिछले दो हफ्तों में, मुझे तो नहीं लगता है, मैं अभी पिछले 17 सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूँ, मैं रेडियो कर चुका हूँ, मैं टीवी कर चुका हूँ, मेरा एमजे शो है जिसपे सब लोग आ चुके हैं, पर मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है। अच्छा आप, मैं जानता हूँ सब लोग के हाथों में कैमरा है, पर अगर आपने, आप भी मेरे साथ सहमत हो दैट यू सी नथिंग लाइक दिस एवर बिफोर, एक बार वर्चुअल प्लैनेट और गजेंद्र वर्मा के लिए तालियां हो जाए प्लीज। सब कैमरा वाले आप हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा सकते हैं यार, कम ऑन, दैट्स फैंटास्टिक। सो नाउ लेट मी ब्रिंग ऑन द पीपल हु हैव मेड दिस इवनिंग पॉसिबल, दिस फैंटास्टिक म्यूजिक सीरीज जो है, म्यूजिकल सीरीज जो इन्होंने बनाई है, इसको जिसने अचीव किया है, जिसने ये बनाया है, उनको यहाँ पे बुलाते हैं। तो फर्स्ट अप I want to bring up my brother. He runs Virtual Planet Music. Everybody, welcome right here, Vikram Singh. Hi, thank you. Vikram, यहाँ पे आ चुके। Let's get some of the other people involved also out here. We have Vikram Singh's label Virtual Planet has been supported tremendously by this fantastic company which has been doing great content for many many years now. Let's bring out from Kyuki Sushant. And now let's bring on the two stars of the entire musical series, Gajendra Verma, jisne ये गाने लिखे हैं, एंड ब्यूटिफुल मानसी मोगे हु हैज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब अलोंग विद गजेंद्र इन ऑल ऑफ दीज फाइव सॉन्ग्स। इस बार ना कैमरा होगा हाथ में तो भी तालियां बराबर से बजाइए, थोड़े एक सेकंड के लिए कैमरा नीचे रख दीजिए। लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गजेंद्र वर्मा एंड मानसी मोगे। अच्छा तो आप सबसे कुछ सवाल लेने के पहले, यू नो, मैं इनके साथ सवाल पूछना चाहूँगा। यू नो दिस इज़ नॉट जस्ट योर फर्स्ट कोलैबोरेशन विद गजेंद्र, यू नो यू वर्क ऑन अदर सॉन्ग्स विद हिम, बट ये अलग था, ये आई एम श्योर इवन इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैड टू इन्वेस्ट, दिस मस्ट हैव बीन मच मच बिगर देन एनी ऑफ द, यू डन टू वीडियोज विद हिम बिफोर दिस सीरीज, राइट? सो वो दोनों गाने तो बहुत अच्छे थे, बट ये जो प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा स्कोप था, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? डिड इट ऑलमोस्ट फील लाइक यार ये तो मैंने फिल्म साइन कर दिया है? Come a little closer so that everyone can hear. It's like a mini series only. I mean, this idea was something which was so unique, and I mean, we were very sure that this is something unique and very fresh. Correct. And everybody wants to see something new now. Yeah. And this mini series was this idea like from Vikram and Gajendra. They came up with this idea, and I was really excited for that. And now when I see it, really feels like film. You know. Everybody is like, ये तो film है. When the trailer came out, they thought it's a film. Film so है, बिल्कुल. after the songs were released, they got to know it's like a series. But I'm very happy with the result, and everybody is loving it. So. Nah, and I have to compliment you, like I did in person on WhatsApp. That you know, I think both of you have been so believable in it. What I love most about this is कि यार ये सिर्फ music video बनाने के लिए बनाया नहीं है. It actually feels कि यार इन दोनों की एक romantic कहानी है जिसको हमने बस दूर से देखा है. That's the most believable and the most real storyline that you can watch, whether it's in a film, whether it's in a web series or in a musical series. जो मुझे लगता है एक नया concept है. So actually I love movies and I love independent music also. You know, making new concept and making, getting new ideas from video, from audio. So that's my passion is. तो जब भी मैं गाने भी हम लोग शूट कर रहे थे, म्यूज़िक वीडियो हम लोग बनाते थे पहले, देन आई थॉट कि यार कोई ऐसी कोई कहानी अगर कही जाए जो एक पूरे गानों के अंदर हो, सो दैट वेयर दैट द थॉट केम. तो आई रोट द स्टोरी एंड देन. और ये जो गाने थे, ये तुमने स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को लेके बनाए हैं या वर सम ऑफ देम एटलीस्ट कि पहले गाना बनाया था एंड देन इट फिट परफेक्टली इनटू द स्टोरी? या वी एक्चुअली दो गाने ऑलरेडी थे, हाँ, और फिर जब स्टोरी पूरी हुई तो फिर बाकी के तीन गाने बनाए. वेरी नाइस. अरे भाई अभी लगता है द वर्ल्ड इज इमोशनल हो गया, ये इतना अच्छा. I'm always there to support independent artists doing their music because I'm the same breed, and we do our film music, but it's so important for us to convey our stories through music. Who is doing his thing, you know, irrespective of what is trending, what is not, and you know, he's
he stuck to his music, his originals, and it's inspiring for me because I'm a songwriter as well. And सर को और तेरा घाटा के टाइम से लोगों को पसंद है गजेंद्र से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे तो बहुत लोग पसंद करते हैं मगर बहुत से लोगों के फेवरेट तेरा घाटा के बाद से हो गए। हम लोग टिकटॉक बनाते थे उसमें वीडियोस भी बहुत बनाए हम लोग गाने पे, बहुत अच्छा गाना भी था वो टाइम पे। तो अभी ये कुछ नया सर ने लेके आया ट्रेंड और इसमें भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। होप सो अच्छा लगे आप लोग को, जो भी लोग देख रहे हैं जो अभी तक का नहीं देखे जल्दी से आके देखे और अपना बहुत सारा प्यार बनाए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाए उसके वीडियोज में। ये बस हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी हमारी फैमिली है सोशल मीडिया की, सब लोग के प्यार के वजह से पॉसिबल हुआ है और ये सब, तो बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल। आप लोग सपोर्ट करते रहो, आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। पहले वीडियोस बनाते थे और हकीकत में जो जैसे कि क्वेश्चन किए भाई ने, तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से करते थे और आज देखो वो टाइम तो टाइम पास ही करते थे, वीडियोस बनाते रहते थे। पर आर्टिस्ट क्या मानते हैं कि क्या उनमें खास है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है? बहुत खास है हमारे क्विकी से, हो बहुत ज़्यादा खास है हमारे आर्टिस्ट है तो फिर खास होंगे। अरे बहुत ही सही यार, और मेरे ख्याल से बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे चार गानों का और पांच गानों का ऐसे वो निकालना, और मैंने देखा कि सारे गाने ट्रेंड की हैं और गजेंद्र भाई की आवाज़ तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितनी क्रेजी है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने जब ट्रेलर देखा ना तभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था, तो मैंने विक्रम भैया को फ़ोन किया कि मेरे को पहले गाने सुनाओ सारे, और फिर उन्होंने मेरे को सुनाए तो मैंने कहा दिस इज़ क्रेजी। ऑफकोर्स ये पूरा थीम ही नया है कि मतलब वो एक सीरीज ऑफ सॉन्ग, इट्स लाइक अ फिल्म कि पहला गाना दूसरा गाना जो चल रही है कि लड़की को कैसे पटाया, फिर वो कैसे बची, फिर उसको प्यार हुआ और लड़की को भी प्यार हुआ, तो इट्स अ न्यू ट्रेंड। और मेरे ख्याल से विक्रम भैया जो है, जो डायरेक्टर है, वो हर बार ना कुछ नया करते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।